हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट मथुरा में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका 10th क्लास का ट्रायग्नोमेट्री की एमसीक्यू सीरीज़। इस एमसीक्यू सीरीज़ में आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज़ की ओर ट्रायग्नोमेट्री चैप्टर के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि क्या sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू आपको एक्स है, तो सिंगल आपको sec थीटा की वैल्यू बता देनी है। तो जब हम देखेंगे, हमें sec थीटा जो है sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू जो दी गई है उसे हम देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो देखें, हमें दिया गया है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया गया है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों साइड्स को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि स्क्वेयरिंग क्या कर दिया मैंने, स्क्वेयरिंग बोथ ऑफ साइड। तो मैंने यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर दिया है। जब मैं यहाँ पर स्क्वेयरिंग करूँगा तो देखें, sec स्क्वेयर थीटा प्लस tan स्क्वेयर थीटा हो गया प्लस 2 tan थीटा, और यहाँ पर आएगा आपका sec थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये आ गया। ओके, तो सिमिलर ये हो गया है। अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमें sec थीटा की वैल्यू निकालने, तो इसको हम क्या करेंगे, sec में चेंज कर लेंगे। हम sec में चेंज करने के लिए यहाँ पर एक कंडीशन देखते हैं, sec स्क्वेयर थीटा प्लस, देखें हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या वी नो दैट, आप भी जानते होंगे, देखें क्या, कि sec स्क्वेयर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू होता है tan स्क्वेयर थीटा। ओके ना, sec स्क्वेयर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू होता है tan स्क्वेयर थीटा। तो आपको करना यह है कि जब मैं tan की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sec स्क्वेयर थीटा माइनस वन आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, sec स्क्वेयर थीटा माइनस वन प्लस 2 tan थीटा, और यहाँ पर आएगा sec थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ओके, इस वाले माइनस वन को आप इधर ले लीजिए, तो ये आपका जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी 2 sec स्क्वेयर थीटा प्लस 2 tan थीटा, और यहाँ पर sec थीटा। ओके, यहाँ पर आपका आया जो एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ये यहाँ पर आ गया है। अभी आप देखें, 2 sec थीटा कॉमन ले लीजिए, 2 sec थीटा जैसे ही आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा, क्या दिया है, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये आपको वैल्यू मिलेगी। देखिए ये वाली वैल्यू जब आपको मिल जाएगी तो ये तो भाई उसने क्वेश्चन में देके भेजा है कि ये वाली वैल्यू तो यहाँ पर x है, क्या है ये x, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर x लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 2x sec थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और आपको sec थीटा की वैल्यू बतानी है तो आपको sec थीटा इक्वल टू आपको जो मिलेगा वो होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई 2x, यानी कि आपका जो आंसर है बी आंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट, बस उसमें क्या है, देखिए उसमें आपको बताना था किसका, उसमें बताना था sec का, यहाँ पर आपको बताना है tan का। ओके, तो tan का देख लेते हैं, सेम वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो sec स्क्वेयर थीटा प्लस tan स्क्वेयर थीटा, ठीक है, sec स्क्वेयर थीटा प्लस tan स्क्वेयर थीटा, 2 sec थीटा tan थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ओके, यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर क्या किया था, sec को चेंज किया था उस वाली फॉर्म में, सॉरी tan को चेंज किया था, sec मिला था। अब हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर tan को चेंज करेंगे। तो देखें यहाँ पर था sec स्क्वेयर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू tan स्क्वेयर थीटा, क्लियर ना। जब हमें इसको चेंज करना है किसमें, tan में, किसमें चेंज करना है, tan में। तो देखें यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं sec की जगह पर sec स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस tan स्क्वेयर थीटा रख दूंगा, क्या रख दूंगा, वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पर वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा प्लस टेन स्क्वेयर थीटा प्लस टू sec थीटा tan थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ओके, यहाँ पर देखें ये टू हो गए, सेम वही क्वेश्चन जो प्रीवियस किया था, टू tan स्क्वेयर थीटा प्लस टू sec थीटा, और यहाँ पर tan थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका sec स्क्वेयर माइनस वन, सॉरी एक्स स्क्वेयर माइनस वन। यहाँ से टू tan थीटा कॉमन लिया, tan थीटा कॉमन लिया, यहाँ पर मिलेगा क्या, tan थीटा प्लस sec थीटा, और यहाँ पर आपको x स्क्वेयर माइनस वन। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू x दी गई है क्वेश्चन में, आपको इसकी वैल्यू x दी गई है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू जो मिलेगा आपको वो होगा x स्क्वेयर माइनस वन बाई 2x, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर, देखें कौन सा वाला आपका राइट आंसर है, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो डी है, डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आपके इस क्वेश्चन के लिए डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको करना ये है, देखिए इसके अंदर आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, किसके, इसके अपोजिट साइन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, तो प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वन माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर क्रॉस साइन करूँगा मैं, तो ये क्या होगा, प्लस साइन थीटा,
और यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ओके, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब मैंने इसके इसको जब मल्टीप्लाई कर ही लूँगा पूरा, तो देखें ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो मिलेगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। वी हम जानते हैं क्या, देखें 1 प्लस साइन थीटा, वी नो दैट साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। जब ये इतनी बात हो गई यहाँ पर, तो देखें क्या करने वाला हूँ, ये वहाँ पर होल स्क्वायर है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पूरा होल का स्क्वायर करने वाला हूँ। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट को हटा दिया जाएगा और आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी आपकी कॉस थीटा 1 प्लस यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि इस तरीके से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं ये होता है सेक थीटा, ये होता है टेन थीटा। 1 अपॉन कॉस होता है आपका सेक थीटा और साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा। तो ये आपका देख लीजिए प्लस वाला, यानी ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या करना है कॉस का है। तो देखें सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, वही इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया अंडर रूट के अंदर। तो रूट के अंदर अब मैंने इतनी वैल्यू को देखा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब मैंने इस वैल्यू को पूरे को देखा, तो यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी आपको वो रहेगी साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों के स्क्वायर को एक ही पर लगाने वाला हूँ, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था ऊपर, यहाँ पर साइन थीटा, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? तो अब यहाँ पर जो वैल्यू मिली वो आपको 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपको वैल्यू मिली। तो देखिए 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस यहाँ पर होता है कॉट थीटा, तो कोसेक प्लस कॉट होगा आपका आंसर, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है आपके पास है, सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक की पावर 4 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए थीटा की जगह पर यहाँ पर इसने ए दे दिया है, तो कोई डाउट नहीं, यहाँ पर थीटा भी कह सकते हैं या ए कह लीजिए, तो यहाँ पर ए दिया है तो हम ए देख लेते हैं। तो देखिए सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर a, ओके ये आपको दिया है। तो यहाँ पर करने क्या वाला हूँ मैं, देखिए इसे होल स्क्वायर में चेंज करने वाला हूँ, स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने क्या किया, एक सेक को कॉमन ले लिया है। जब मैंने यहाँ पर एक सेक स्क्वायर a को कॉमन लिया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, सेक स्क्वायर a माइनस 1, और ये तो 10 होता है भाई, क्या होता है 10 होता है, तो 10 होता है sec square a, और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, tan square a। बट देखिए हमें क्या करना है, पूरे फंक्शन को 10 में चेंज करना है, तो इस वाले sec को भी हम 10 में चेंज कर लेंगे। 10 में चेंज करने के लिए मैंने आपको भी एक आइडेंटिटी बताई थी, sec square a माइनस 1 इज इक्वल टू tan square a। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या, यहाँ लगाएंगे sec square a की आइडेंटिटी जब लगाएंगे, तो देखें tan square a प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, tan square a का मल्टीप्लाई जैसे आप करेंगे 4a प्लस tan square a। तो देखिए ये आपको आपका आंसर मिल चुका है, तो देखेंगे कौन सा आपका आंसर सही है। तो देखें सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके चलें देख लेते हैं सिक्स का आप देख लें। तो सिक्स वाला भी सेम क्वेश्चन है, सिक्स में क्या है 4 दे रखे हैं, तो सिक्स बहुत ही ईजी है, देख लेते हैं। यहाँ पर आपको करना यह है कि कॉस स्क्वायर ए करके इसका होल स्क्वायर कर देना है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए करके इसका होल स्क्वायर कर देना है। देखिए एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एक बार पॉजिटिव लिख लेता हूँ यहाँ पर, और एक बार लिख लेता हूँ नेगेटिव। तो एक बार नेगेटिव लिखूंगा तो ये मेरे को वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, ये होता है मेरे पास 1। अब बाकी का बचे हुए को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये है। बट देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉस की प्रॉपर्टी में इसे चेंज कर लेना है, कॉस या साइन में किसी में भी आप में एक में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर कॉस को मैं देख लेता हूँ, कॉस होता है मेरे पास क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
वन माइनस साइन स्क्वेयर है, तो देखो कॉस में चेंज करूंगा तो वन को देखिए वन माइनस टू साइन आएगा, यानी कि वन यहाँ पर उल्टा दे रखा है, टू साइन पॉजिटिव दे रखा है, यहाँ पर टू साइन नेगेटिव आएगा, तो मैं इसे कॉस में चेंज करूंगा। कॉस में चेंज कैसे होगा, कॉस स्क्वेयर ए यहाँ पर लगाऊंगा, वन माइनस साइन कॉस स्क्वेयर ए, सॉरी कॉस स्क्वेयर ए, ये इस तरीके से करूंगा। तो देखें यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वेयर ए माइनस वन प्लस कॉस स्क्वेयर ए, ओके इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस वन, ये वाली वैल्यू होगी। अब देख लीजिए आपका आंसर कौन सा सही है, आपका आंसर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत ही ईजी है, आप इसे चुटकियों में कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा है आपके पास, क्या है वन प्लस कॉस थीटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन साइन थीटा वन माइनस कॉस थीटा, ओके और नीचे जो होगा वो होगा वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, ये इसके विपरीत साइन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखें जब ऐसी कंडीशन आपके पास होगी तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन, तो यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, तो ये किए साइन थीटा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वेयर थीटा, ओके साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आपका आंसर मिलेगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देख लीजिए आपका राइट आंसर कौन सा है, तो राइट आंसर जब देखेंगे वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है, मैंने क्या किया यहाँ पर साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉट को मैंने खोल लिया है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इस तरीके से, और मैंने यहाँ पर क्या किया है देख लेते हैं, इसको मैंने किया यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कर दिया है आपको क्या देखें कॉस थीटा अपॉन वन प्लस वन माइनस, सॉरी वन प्लस की जगह माइनस है भाई, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके ये इस तरीके से मैंने इन्हें दोनों को एक्सपेंड कर लिया है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मैं जब इस वैल्यू वैल्यू को ऐसे लिखूंगा साइन थीटा, तो देखिए यहाँ पर जब मैंने इसको किया तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके ये थर्ड पार्ट में ब्रेक हो गया है। अभी मैंने सेम इसी तरीके से मैं इसे करने वाला हूँ कॉस थीटा अपॉन, तो देखें यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्लियर ये वाली बात भी हो गई यहाँ पर, क्लियर। अब देख लीजिए इसके अपॉन में तो ये है, यहाँ पर वन लगा लीजिए, इसके अपॉन में भी यहाँ पर वन लगा देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ मैं करने वाला हूँ, सेम प्रोसेस यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो देखिए मैं यहाँ पर करने वाला हूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके यहाँ पर किया प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके अब क्या करने वाले हैं देखें, यहाँ पर मैंने लिखा आपको सेम टू सेम साइन स्क्वेयर थीटा प्लस, देखिए प्लस मैं करने जा यहाँ पर एक छोटी सी चेंज करने जा रहा हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चेंज क्या करने वाला हूँ यहाँ पर आप देख लीजिए, इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ कर दे रहा हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये वाला पूरा टर्म माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगी वैल्यू कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन में जो मिलेगा वो होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने क्या किया इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया क्योंकि एलसीएम लेने में मुझे आसानी हो जाएगी, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया तो मिलेगा क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके जब मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ले लिया है तो ऊपर आपको मिलेगा क्या साइन स्क्वेयर थीटा और यहाँ पर मिलेगा कॉस स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर थीटा ये वैल्यू मिल गई। जब ये वैल्यू आपके पास होगी तो देखिए एक बार माइनस का एक बार प्लस का, तो यहाँ पर एक बार माइनस का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और एक बार प्लस का, एक बार आपका प्लस का हो जाएगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और आपकी जो वैल्यू होगी वो नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस वाली प्रॉपर्टी जो आपकी कैंसिल आउट हुई, प्लस वाला आपका जो बचेगा वो आपका आंसर रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर एट का जो आंसर रहेगा वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, आप देख लीजिए कौन सा है, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन देख लीजिए क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है, वन प्लस कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है यहाँ माइनस इसे कुसेक को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा, ओके ये हो गया पार्ट पहले को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, वन प्लस टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके और यहाँ पर देख लीजिए सेक को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस,
ये इतना बाद में बात होगी। मैंने क्या किया, पहले और दूसरे पार्ट का एलसीएम ले लिया यहाँ पर भाई। जब मैंने एलसीएम लूँगा आपको, तो एलसीएम में आपको क्या मिलने वाला है, देखिए पहले वाला साइन आ जाएगा और दूसरे वाले का जब मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर मुझे कॉस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा। तो पहले वाले की बात करेंगे तो देखें यहाँ पर वन प्लस, तो यहाँ पर वन तो ये वाला वन आ जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ पर वन है तो यहाँ पर साइन आएगा, वन नहीं आएगा साइन आएगा, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन, यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पर प्लस वन। ठीक है, इनको देखिए मल्टीप्लाई है तो मैं इसको ए कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दोनों पार्ट सेम है प्लस में है, तो इसे मैं ए कह देता हूँ और इस वाले पार्ट को कह देता हूँ बी, इस वाले पार्ट को कह देता हूँ बी। ठीक है, तो देखिए ए और बी का जब मल्टीप्लाई करूंगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक आइडेंटिटी होती है किसकी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इतनी वाली बात हो जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यानी मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। क्लियर, अब आप देखें इसको जब मैं एक्सपेंड करूँगा इसे, तो ये मिलेगा मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस का वन, क्योंकि ये माइनस का वन ही होने वाला है जब मैं इसे प्रॉपर्टी को खोल दूंगा तो। ओके, तो ये वाली वैल्यू आप देखिए यहाँ पर, ये मुझे यहाँ पर ये मिल गया साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा। आप क्या कर सकते हैं, देखें इस वाली बात में देखिए, ये मैं देख पा रहा हूँ कि इसको पूरे को देख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसे लिखने वाला हूँ वन, तो वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वन प्लस टू साइन थीटा और यहाँ पर आएगा कॉस थीटा और माइनस वन अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन थीटा से साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो टू रहेगा, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दें, क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर टेन देख लेते हैं। जब मैं क्वेश्चन नंबर टेन का एलसीएम लूंगा आपको, तो क्वेश्चन नंबर टेन का एलसीएम लिया तो सेक थीटा माइनस वन और सेक थीटा प्लस वन आपको मिल जाएगा, ये वाली बात मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपको टेन थीटा सेक थीटा प्लस वन और यहाँ पर आएगा प्लस टेन थीटा यानी कि सेक थीटा माइनस वन, सेक थीटा माइनस वन, ये वाली बात आ गई। ठीक है, अभी देखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखें आपको जो वैल्यू मिली वो क्या रहेगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो देखें टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई, यहाँ आया आपके पास जो आया वो रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी, टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी टू टेन थीटा सेक थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ओके, टेन से टेन को काट दिया जाएगा, टेन से टेन को काट दिया जाएगा, टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं टू सेक होता है वन अपॉन कॉस कॉस थीटा और टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा, वन अपॉन साइन होता है टू कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये थे आपके 10 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ। तो आप इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे चैनल पर पा सकते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए आज, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।